हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना सिखाऊंगा 5x5 ऑर्डर का, कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इससे पहले मैंने 2x2, 3x3, 4x4 ऑर्डर के रैंक निकालने सीखे, जिनको आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं और उनकी लिंक में भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, तो जनरली देखिए 5x5 के क्वेश्चन नहीं आते, मगर बाई दू अगर आ जाते हैं तो आप क्या करेंगे। ठीक है, ट्रिक यह है कि आपको 3x3 का निकालना आसान पड़ता है। ठीक है, अगर आप 4x4 का भी माइनर सेलेक्ट करते हैं ना, तो भी वो कैलकुलेशन लंबी हो जाती है, क्योंकि 4 से हमें 3 में आना पड़ता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा। और एक ट्रिक ये भी है कि 5x5 का अगर आपको दे रहा है ना, तो 98% केसेस में ये होता है कि उसकी रैंक 5 नहीं होती है। ठीक, 98% केसेस में उसकी रैंक 5 नहीं होती है। तो 5 का एक्सपेंशन करना तो बेवकूफ़ी होगी अगर आप करोगे एग्ज़ाम में, तो वो तो आपको नहीं करना है। 4 पे भी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। अगर हम 3 पे देख लें, 2 पे देख लें, अगर 3-2 मना कर दे, तब जाके 4 पे देख लो। ओके, तब 4 पे हो जाएगा। तो मैं यही चीज़ यहाँ पर आपको करना चाहता हूँ इस क्वेश्चन में, कि मैं 4 का नहीं लेना चाहता। 5 पे तो मैं बोल रहा हूँ 98% नहीं होगा, मुझे अभी श्योरिटी नहीं है कि होगा या नहीं होगा। मैं अभी किस पे ले रहा हूँ, कोई सा भी माइनर ले रहा हूँ 3x3 ऑर्डर का, कोई सा भी एक माइनर। तो वही मैं लिख रहा हूँ, टेक अ माइनर ऑफ 3 ऑर्डर ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट बनाऊँ, कोई सा भी हम लिख सकते हो माइनर, ये नहीं कि आपको सिमेट्रिक वे में ही लेना है। मैं ऊपर नीचे से भी लिख सकता हूँ, लेकिन जिसके ले रहे हो उसी के नीचे से लिखना। जैसे मैंने यहाँ ले लिया 5, 6 और 16 ले लिया, इसको मैंने छोड़ दिया। 5 लिया, 6 लिया, 16 ले लिया। फिर मैं और एक ले रहा हूँ उसी की तरफ से, यहाँ से 7 ले लिया, 8 लिया, 18 ले लिया, और इधर से 8, 9, 19 ले लिया। ठीक, अब इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर 0 दे देता है तो रैंक इसका 3 होगा ही नहीं। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, और एलिमेंट्री ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। 3 है तो कोई 2 अगर आइडेंटिकल आ जाते हैं तो भी वो 0 हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी लगा सकते हैं आप। तो मैं क्या करूँगा, R2 को चेंज कर रहा हूँ R2-R1 से, और R3 को मैं चेंज कर रहा हूँ R3-R1 से। ठीक, ये चीज़ मैं कर रहा हूँ। तो देखो क्या हो जाएगा, जब ये प्रॉपर्टीज मैं अप्लाई करूँगा R2 में से R1 को, माइनस R1 तो वैसे का वैसे ही रहेगा, 5, 7, 8 रख दो। ठीक, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 8 में से 7 गया 1, 9 में से 8 गया 1, और यहाँ क्या हो जाएगा, 16 में से घटाएंगे 5 तो 11, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 11, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 11। R3 में से मैंने R1 को माइनस कर दिया। अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं R2 में 11 से मल्टीप्लाई करके R3 में से माइनस कर दूं, तो तीनों 0 हो जाएंगे, और तीनों 0 हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो वही मैं करूँगा, R3 को मैं रिप्लेस करूँगा R3-11 R2 से। तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो वही है 5, 7, 8, 1, 1, 1, और यहाँ हो जाएगा 0, 0। चूँकि एक रो पूरी 0 हो गई है, तो इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इसका डिटरमिनेंट एक्चुअली 0 आ गया है, तो इसका रैंक 3 नहीं हो सकता। मैंने तो सिर्फ एक माइनर चूज़ किया था। आप किसी भी रैंडम ऑर्डर में 3 का माइनर लेके देख लो, आपको हर बार 0 ही मिलेगा। ठीक, हर बार 0 मिलेगा। इस वजह से आप बोलोगे कि इसका रैंक 3 तो नहीं हो सकता। सो रैंक ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 3। ठीक, ये चीज़ हो गई। अब रैंक 3 नहीं है, अब किस पे बात कर लो, 2 पे कर लो। कोई सा एक 2 ऑर्डर का माइनर सेलेक्ट कर लो, कोई सा भी। तो मैं अब फिर से यहाँ लिखना है, टेक अ माइनर ऑफ 2 ऑर्डर ऑफ ए। तो ए का ऑर्डर ले लो, स्टार्टिंग का ही लेना, 3, 4, 4, 5 ये ले लिया मैंने। अब इसका डिटरमिनेंट निकालो, 3×5=15 -4×4=16, जिस -1 ≠ 0। नॉट इक्वल टू 0 आ गया 2 ऑर्डर पर, यानी कि इट्स इम्प्लाइज रैंक ऑफ
बी विल बी मस्ट बी टू, ये इसका आंसर हो गया। सो आई होप ये आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर लो। थैंक यू।